बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूर्णिया की याद आई है। इस मौके पर सीएम ने काजाकोठी का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित किए जा रहे मिथिला हाट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने काजाकोठी से पूर्णिया के नवनिर्मित 8 थाना का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने काजाकोठी तालाब को विकसित कर पर्यटकों के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा को पूर्णिया एयरपोर्ट में तब्दीली करने में आ रही बाधाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आज माँ पूरन देवी की धरती पूर्णिया पर आगमन हुआ और एयरपोर्ट पर मैंने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता एनडीए के साथी के साथ हम लोगों ने उनका स्वागत किया और हवाई यात्रा यहां से शीघ्र प्रारंभ हो उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने जो विभाग के अधिकारी हैं और प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी उनके साथ बैठ करके समीक्षा की। यह हाई लेवल की मीटिंग थी और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट सारी चीज़ों को सुनने के बाद और निर्देशित करने के बाद ये किया कि जल्दी से जल्दी यहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ हो, इसलिए कि पीएम पैकेज 15 का ये पूर्णिया का हवाई अड्डा बनना था, लेकिन इसमें न्यायालय कारण जो भी लेट लगा हो, तो अभी जो समीक्षा हुई उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से और जो विभागीय जो अधिकारी प्रदेश के अनुसार यहाँ से हवाई यात्रा का जो कठिनाई आ रही थी उन बाधाओं को उन्होंने दूर करने के लिए निर्देशित किया है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जब भी आते हैं पूर्णिया को कोई ना कोई सौगात देते हैं, पूर्णिया पर उनका स्नेह आशीर्वाद बराबर बना रहता है। सर, इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली हाट के तट पर मिथिला हाट डेवलप करने का काजाकोठी में भी उन्होंने निश्चित रूप में एनडीए गठबंधन में देश के विकास पुत्र नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के विकास पुत्र आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। पूर्णिया का काफ़ी 10 सालों में विकास हुआ है और पूर्णिया पर्यटन का क्षेत्र बने उस दृष्टिकोण से काजाकोठी को डेवलप किया जा रहा है और भी अनेक योजनाएं पूर्णिया के लिए हैं जो पाइपलाइन में हैं। आने वाले समय में पूर्णिया विकसित पूर्णिया एनडीए की सरकार में बनेगी।